love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm. हेलो फ्रेंड्स, द स्वादिष्ट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोमोज की चटनी। तो फ्रेंड्स, मोमोज चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले लाल सूखी मिर्च, जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, लाल सूखी मिर्च का यूज करेंगे। तो मैंने इसमें 10 से 12 लाल सूखी मिर्च ले लिए हैं। अब इसे मैं एक पैन में डाल दूंगी। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर के दोनों ऊपर के गुठलियां इसके काट दिए हैं मैंने, और मिर्च के डंठल भी मैंने निकाल दिए हैं। इन सबको एक पैन में ट्रांसफर करने के बाद एक ग्लास पानी डालूंगी इसमें। पानी डालने के बाद इसे गैस पे हम डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके डाल दिया इसे। अब इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे ढक के, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ चुका है। मिर्ची हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है, बट हमारा टमाटर जैसे का तैसा है, ये सॉफ्ट अभी नहीं हुआ है। इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ढक के फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसे ढक्कन हटाया, तो देखा ये हमारा मिर्ची और टमाटर दोनों अच्छे से पक चुका है। देखिए इसके छिलका डाल पे इजली हट रहा है। तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मिर्ची और टमाटर को प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें मिर्ची को डाल दूंगी मिक्सी जार में। टमाटर के ऐसे छिलके हटा के हमें मिक्सी जार में डालने हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसे गैस निकलने के लिए उसका मैंने उसे कट कर दिया है। मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, अदरक मेरा सूख गया था इसलिए मैं इसे पीस ही लूंगी। अब इन सब का एक थिन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसमें जो भी गुठली टाइप की दिख रही होगी उसे मैं साइड कर दूंगी, क्योंकि वो टमाटर का बीच वाला जो पार्ट है वो पिसता नहीं है। ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। तो मैंने तड़का लगाने के लिए पैन गैस पे रख दिया है, पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच के तेल डालूंगी। तेल में मैं 1/2 छोटी चम्मच सरसों का तड़का लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं विदेशी चीज में देसी तड़का। अब मैं इसमें लहसुन, मैंने दरदरा काट के रखा था, उसे भी मैं डाल के उसका भी तड़का लगा लूंगी। इसे ज्यादा चलाना नहीं है हमें। अब मैं इसमें जो ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें जो Thank you.
का फ्लेम लो करके हम इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मिर्ची को मैनेज करने के लिए मैं इसमें 1/4 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। इन सबको डाल के हमें 5 मिनट तक के लिए पकाना है। ये रही मोमोज की चटनी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो गैस हम फ्लेम बंद कर देते हैं। ये चटनी बनके हमारा तैयार हो चुका है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।